इधर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सली अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। गांव वालों की हत्या की जा रही है, जिसके डर से लोग गांव छोड़कर शहर में आ गए। ऐसे में अब नक्सल पीड़ित परिवारों की महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार ने आमचो बस्तर कैंटीन की शुरुआत की है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। प्रयास जो है सरकार ने किया है, और ये प्रयास है आमचो बस्तर कैंटीन। आमचो बस्तर कैंटीन खोलने का क्या उद्देश्य था सरकार का और क्यों खोला गया? क्योंकि जो नक्सल पीड़ित महिलाएं थी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से अपने आप को नक्सलियों से बचाकर पहुंची थी, उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने इस कैंटीन को खोला है। और उसके बाद इस कैंटीन का संचालन वो महिलाएं कर रही हैं, वो 10 महिलाएं कर रही हैं जो नक्सलियों के प्रताड़ित हो रही थी और अपने गांव को, अपने जमीन को, अपने घर को छोड़कर अब शहर की ओर पलायन कर लिए हैं। और वैसी ही एक महिला हमारे साथ है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती समारी कवासी है, मैं कपानार से आई हूँ। हम लोग को नक्सली, हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, नक्सली मना रात रात को आते थे और ना हमारे साथ चलो घूमने बोलते थे। हम लोग खेती बाड़ी हैं, हम लोग ऐसा घूमना नहीं चाहते हैं, हम लोग दूसरे का खाना नहीं चाहते हैं, हम लोग खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन उन लोग नहीं मानते थे। उन लोग ना रात रात को आते थे हम लोग को मारने के लिए। हम लोग जंगल जंगल में सोते थे, कम से कम एक महीना तक सोए जंगल जंगल। उसके बाद ना एक महीना के बाद सोने के बाद मेरे पति आया जगदलपुर में। आके ना इधर उधर किराए जगह ढूंढ ढूंढ के हम लोग को फाले हैं। क्या नक्सली क्या फरमान जारी करते, क्या हर एक परिवार से एक एक लोग या फिर पूरे परिवार को नक्सल संगठन में जोड़ना चाहते थे? किस तरीके से करते थे कोशिशें लोग? सर ऐसी छोटा मोटा कुछ भी चीज हम लोग नहीं बोलते थे, तो उन लोग ऐसी मारना चाहते थे जो भी हो। हम लोग उनका बात नहीं मानने से, मीटिंग वीटिंग नहीं जाने से क्यों नहीं आए हो, क्या पुलिस में भिड़ना चाहते, तो ऐसी छोटा मोटा बात निकाल के ना ऐसी मारना चाहते थे। फिर आके धमकी देते थे कि तुम लोग को मारेंगे पीटेंगे बोल के। फिर मेरे देवर को भी एक बार उठा के ले गए, जान से मार दिए, तो उसी डर के मारे हम लोग इधर भाग के आए, पति पत्नी दोनों। फिर हम लोग, मेरे पति गोपनी सेनी में लगे, फिर हम ऐसी बताते फिर एसपी सर को बोले, फिर कलकत्ता साहब को बोले, तो हमको छोटा मोटा धंधा देंगे अपने पत्नी लोगों को करके खाएंगे जी बोल के बोले। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि बस्तर कैंटीन के दिए हैं, इसमें हम लोगों का उम्मीद है देश लोगों का, इसको करना है, करके दिखाना, कमाई करना। हम लोग इतने दिन ऐसी थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जब गांव में थे तब मैं आंगनबाड़ी सहायिका कर रही थी। मेरे गांव कलेपाल है, मैं ग्राम कलेपाल पंचायत में रहने वाली हूँ। मेरा नाम श्रीमती पांडे कसिया, ब्लॉक दरबा, जिला बस्तर, वहाँ पर रहने वाली हूँ। पुलिस मुखबिर बना के हम लोग नक्सली गांव से भगा दी हैं। सर हमारे, मेरे एक देवर का अतिया भी हुआ है, मेरे एक बड़े भैया का भी अतिया हो गया है, नक्सली मार दिए हैं। कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कितनी अच्छी पहल है सरकार की ये। जी, ये नक्सली जिस प्रकार से ग्रामीणों के हित की बात किया करते थे, ना ग्रामीणों ने भी नक्सलियों का साथ दिया था, अपने गाँव में जगह दी थी, लेकिन नक्सली आज सबसे बड़े दुश्मन इन ग्रामीणों के बने हुए हैं। अपने संगठन में जोड़ने के लिए भोले भाले जो ग्रामीण हैं उनको इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये ग्रामीण अब इनकी खोखली विचारधारा को समझ चुके हैं। तो देखिए कि ये एक उम्मीद जगी है लोगों के मन में कि किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ सरकार जंगलों पर तो लड़ाई कर ही रही है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं उनको तो घर वापसी लाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग नक्सल पीड़ित हैं उन लोगों के लिए अगर सरकार करे तो ऐसे लोग नक्सल संगठन से नहीं जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर नक्सल संगठन से यहाँ के ग्रामीण जुड़ना बंद कर देंगे तो नक्सलवाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।